फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के द्वारका सेक्टर 14 के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की बात करें तो टोटल 1008 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, जिसमें से 50% फ्लैट्स पे दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि फिलहाल उनका पोजेशन नहीं दिया जाएगा और बाकी बचे 504 फ्लैट्स उनका पोजेशन दिया जा रहा है और वह पोजेशन भी लगभग खत्म होने वाला है, यानी कि पोजेशन जो है कंप्लीट होने वाला है, 2-3 दिन में पोजेशन भी बंद हो जाएगा। अब बच जाएंगे बाकी के 504 फ्लैट्स। तो एलोटीज ने इन फ्लैट्स की पेमेंट तो कर दी है भाई, फुल पेमेंट कर दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, वेट कर रहे हैं फिजिकल पोजेशन का। लेकिन फ्रेंड्स फिजिकल पोजेशन तो दूर की बात है, उनको अभी पोजेशन लेटर भी नहीं मिला है। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 50% फ्लैट्स पे स्टे लगाया, डीडीए ने पोजेशन लेटर इशू करना ही बंद कर दिया है। पेमेंट करने के बाद लोगों की ईएमआई स्टार्ट हो गई है, लोगों के रेंट भी जा रहे हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों से बेपरवाह डीडीए ने एक सिंपल सा पब्लिक नोटिस लगा दिया है। पब्लिक नोटिस में डीडीए ने यह लिख दिया है कि भाई अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जिसके कारण से हम पोजेशन लेटर इशू नहीं कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि अक्टूबर एंड में जब इस केस की हियरिंग होनी है तब उसका वर्डिक्ट आ ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं, हो सकता है आगे की डेट मिल जाए। तो ऐसे डेट का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन डीडीए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परेशानियां बढ़ेगी उन लोगों की जिनको फिजिकल पोजेशन नहीं मिला है। और जहां तक अपडेट मिल पा रही है, डीडीए ने इस केस से रिलेटेड अपना कोई रिप्लाई भी तैयार नहीं किया है। तो डीडीए को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि लोगों के पैसे फंसे रहे या ना फंसे रहे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड्स ये जो 504 एलोटीज है जिनको की पोजेशन लेटर नहीं मिला है, पोजेशन नहीं मिला है, वे लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मुश्किल से एक दो लोगों को जानते होंगे, 3 लोगों को जानते होंगे, 5 लोगों को जानते होंगे। तो कहने का मतलब कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। ऐसे में कॉन्टैक्ट्स ना हो पाने के कारण एक बिखराव सा है। तो ऐसे में जो एलोटीज है उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मैटर को कैसे टैकल करें, कैसे प्रोसीड करें, क्या यूनानिमस डिसीजन हो, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वे मुश्किल से मुश्किल 2-4 लोगों के कॉन्टैक्ट्स में ही हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वे एक दूसरे से जुड़े, एक ग्रुप बनाए। भाई जुड़ेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे, तभी तो पता चलेगा कि केस पे आगे प्रोसीडिंग क्या होनी है, आगे केस को कैसे टैकल किया जाएगा, केस में पार्टी बनना है नहीं बनना है क्या है, जो भी है डीडीए को कैसे प्रेशराइज करना है। कहने का मतलब कि पैसे तो आपके फंसे ही हुए हैं, लेकिन जब आप मिलके रहेंगे, कहने का मतलब कि एक ग्रुप में रहेंगे, तभी तो आगे का डिसीजन, यदि कोई यूनानिमस डिसीजन लेना है, सर्वसम्मति से कोई फैसला लेना है, तो सब मिलके कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप वर्डिक्ट का वेट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे यदि सेपरेट सेपरेट रहेंगे तो। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब एक साथ मिलके रहें। मिलके रहने से मेरा मतलब है सबके कॉन्टैक्ट में रहें, ताकि कोई भी यूनानिमस डिसीजन होता है तो सबको पता हो। फ्रेंड्स इन 504 अलॉटीज में से कुछ अलॉटीज ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि जिन्हें पोजेशन नहीं मिला है, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और बोला कि बहुत सारे अलॉटीज ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े नहीं है, जिसके कारण से आगे हम कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। डीडीए के पास 5-7-10 लोग जाते हैं तो डीडीए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ना कोई प्रेशर बना सकता है डीडीए पे, ना ही किस केस में डीडीए ने कोई अभी तक रिप्लाई फाइल किया है। तो कहने का मतलब कि कुछ आगे पता ही नहीं चल पा रहा है, ऐसे में तो डेट पे डेट आती जाएगी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सबको आपस में जोड़ने के लिए, जो लोग सफरर हैं जिन्हें पोजेशन नहीं मिला है, तो ऐसे में उन सबको जोड़ने के लिए मेरे से कुछ अलॉटीज ने बोला है, ताकि सब लोग मिलके किसी फ्रूटफुल नतीजे में पहुंच सके। फ्रेंड्स स्क्रीन पे उन अलॉटीज के नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इस मोबाइल नंबर या फिर इस ईमेल आईडी के थ्रू उनसे जुड़ सकते हैं। जो लोग सफरर हैं जिन्हें पोजेशन नहीं मिला है वही लोग जुड़ें, जो लोग जिनको पोजेशन मिल गया है उनको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही कोई प्रेशर है, आपकी मर्जी है, जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना मत जुड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जिनको पोजेशन नहीं मिला है, जो सफरर हैं, वे लोग जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको एक डीडीए का एक किस्सा सुनाता हूँ। बात है मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट को बने 8-10 साल हुए हैं। जब ये अपार्टमेंट हैंडओवर हुआ था MIG और HIG वालों को, तो इस फ्लैट्स में, मतलब ये इस अपार्टमेंट में, मतलब अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं लगा था। तो अपार्टमेंट की छत जो है गिरने लग गई, कभी प्लास्टर गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। तो सब लोगों ने मिलके डीडीए को प्रेशराइज किया। तो उसका ऑडिट कराया गया
आईआईटी दिल्ली के द्वारा, तो पता चला कि पूरा स्ट्रक्चर ही काफ़ी डेंजर है, उसको जल्द से जल्द वेकेट करके फटाफट मतलब दोबारा बनाया जाए। तो ऐसे में सब लोग मिलके, सबने मिलके डीडीए को प्रेशराइज किया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और डीडीए को उन लोगों को जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको खाली करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया, और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एमआईजी वालों को 35,000 रुपये रेंट देने का वादा किया गया, वादा किया मतलब डीडीए ने डिसीजन लिया, और एचआईजी वालों को 50,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट देने की बात डीडीए ने कही। तो कहने का मतलब कि डीडीए ने यहाँ पे ये सब मतलब फैसले किए जब सब लोगों ने प्रेशर बनाया, तब यदि वे लोग अलग थलग पड़े रहते तो डीडीए कुछ भी नहीं करता। और डीडीए ने बोला कि भाई तुम्हारा 2.5-3 साल में हम फ्लैट्स बना के दे देंगे, तब तक हम रेंट भरेंगे। तो कहने का मतलब कि सब लोग एकजुट होकर रहेंगे तो डीडीए के ऊपर प्रेशर भी बना सकते हैं, अदरवाइज अलग थलग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डेट पे डेट का इंतजार करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।